एक बार फिर विराट 24 न्यूज की खबर हुई सच साबित और एक वर्ष बाद अवैध बिल्डिंग गिराने की शुरू हुई कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां सर्किट हाउस रेप कांड मामले में आरोपी बनाए गए संजय त्रिपाठी के पड़रा स्थित आवास को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। उक्त कार्रवाई में भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बिना परमिशन और पार्किंग व्यवस्था के अवैध रूप से उक्त भवन का निर्माण किया गया था, जिसकी विराट 24 ने न्यूज कई बार दिखाकर प्रशासन को आगाह भी किया था, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई नहीं हो रही थी। किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसे बड़ी वारदात को होने के बाद पुलिस प्रशासन की आंखें खुली और कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। आपको बता दें कि पहले चर्चा थी कि विस्फोटक लगाकर बिल्डिंग को गिराया जाएगा, लेकिन आसपास नुकसान होने के डर से जेसीबी की मदद से बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है।